और इस वक्त की एक और बड़ी खबर लोरमी से आपको बता दी। लोरमी से एक और बड़ी खबर जहां पर बुजुर्ग महिला से युवक ने दुष्कर्म किया है। बड़ी खबर लोरमी से आपको बता रहे हैं, बुजुर्ग महिला से युवक ने दुष्कर्म किया है। 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला से युवक ने दुष्कर्म किया है। महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बड़ी खबर आपको लोरमी से बता रहे हैं, जहां पर 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला से युवक ने दुष्कर्म किया है और बुजुर्ग महिला ने रिपोर्ट लिखवाई है और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म की खबर सामने आ रही है। बुजुर्ग महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी योगेश जी, बताएं कि बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई है, क्या कुछ है पूरी घटना? जी छाया, ये लोरमी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोड़खामी का मामला है। ये पूरा मामला 16 तारीख की दरमियानी रात करीबन 11-12 बजे की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ एक आरोपी युवक ने दुष्कर्म किया है, जिसके बाद महिला और उसके परिजनों ने मिलकर लोरमी थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद लोरमी पुलिस के द्वारा आरोपी बबलू टंडन की छानबीन खोजबीन की जा रही है। अभी जो आरोपी है बबलू टंडन, वो घटना के बाद से लगातार फरार है। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जो मृतक महिला ने जो थाने में शिकायत दर्ज कराई है, उसका कहना है कि वो अपने घर में बाजौट में सोई हुई थी। उसी दरमियान पड़ोस में रहने वाले आरोपी युवक बबलू टंडन के द्वारा उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हुए दुष्कर्म किया गया है, जिस पर लोरमी पुलिस ने अब आरोपी बबलू टंडन के खिलाफ धारा 376 एवं धारा 377 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी की खोजबीन कर रही है। जी योगेश जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको लोरमी से बता रहे हैं, जहां पर 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है। एक युवक ने दुष्कर्म किया है और महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है और कार्रवाई में जुट गई है।